नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। कोरोना महामारी संकट के दौरान उल्लासनगर और भिवंडी निजामपुर मनपा क्षेत्रों में बढ़ती रोगियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में आज उल्लासनगर मनपा मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिस पर आदित्य ठाकरे मुंबई में धारावी पैटर्न के आधार पर मिशन जीरो के तहत बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हर 3 दिन में घर पर अलगाव के रोगियों के साथ संवाद करने के साथ ही डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करते हुए कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर, महापौर श्रीमती लीलाबाई आशान, उल्लासनगर मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि, भिवंडी मनपा आयुक्त पंकज आशिया और डॉक्टर लकड़ावाला उपस्थित थे। मागच्या आठवड्यात आपण कल्याणमध्ये होतो, मी आपण बघितलं तर ठाणे, उल्लासनगर पूर्ण MMR मध्ये पालकमंत्री शिंदे साहेब खासदार आहेत, आम्ही सगळेच लोकांची सोयसुविधा करण्यासाठी एक सगळीकडे फिरत आहोत। जे काही महापालिकेत सोयसुविधा करायचे आहेत, जम्बो फॅसिलिटी वाढवायचं आहे, ट्रीटमेंट काय आहे ह्याच्यावर आढावा बैठक घेत आहोत। म्युन्सिपल कमिशनर सगळे नीट काम करत आहेत, भक्कमपणे काम करत आहेत। हे एक मेडिकल इमर्जन्सीला पण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्स होतो, अर्थात डॉक्टर त्यांचं काम करत आहेत, लोकांचे जीव वाचवत आहेत, पण त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी आम्ही प्रशासन म्हणून काय काम करू शकतो हे सगळीकडे, जसं मुंबईत आम्ही काही ठिकाणी जसं वरळी पॅटर्न आहे, धारावी पॅटर्न आहे, तसंच इथे पण काय नक्की करता येईल ह्याचा आढावा बैठक होती। सगळं नीट मार्गावर आहे आणि आपण बघाल की लवकरात लवकर केसेसवर एक कंट्रोल येईल। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।